बाकी आपसे आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप पीसा अवार्ड जीते हैं. लाइक उस जब आप जीते थे ना कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था. यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है ना मैं कहना चाहूँगा कि आज की वीडियो का जो लाइक गोल है वो है 3000 लाइक्स इन 48 आवर्स. ये मैं पहली बारी जो है ना 3000 लाइक्स इन 48 आवर्स लाइक गोल रख रहा हूँ. मुझे पता है थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करें या ऊपर नजर आ रहा होगा और इस वीडियो को बस के लाइक के बटन को जाओ बस नीचे जाओ और लाइक के बटन को जो है ना बस दबा दो. 3K लाइक्स इन 48 आवर्स या बस किसी तरह ही कराने ही है. तो अब चलो वीडियो को शुरू करते हैं. यो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोज लैब. तो जो आज की वीडियो है ना वो कि अब जो है ना मैं सही में कहने जा रहा हूँ कि आज की वीडियो जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है, क्योंकि जो है ना हम प्रैंक कॉल करने जा रहे हैं डकी भाई को. लास्ट टाइम जब मैंने प्रैंक कॉल की थी डकी भाई को तो उस वीडियो में जो है ऑलमोस्ट 80,000 व्यूज़ आ चुके हैं और उस वीडियो में मैंने 2,000 लाइक्स मांगे थे. 5,500 से ज़्यादा लाइक्स हो चुके हैं, तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना. तो यार डकी भाई को प्रैंक कॉल करने से पहले जो है ना मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं, मैं लाइक 2-3 दिन से सोच रहा हूँ कि मैं क्या बात करूँगा, क्योंकि आप लोगों का अगर पता हो कि मैंने इससे पहले जो है ना लाइक 2-3 हफ्ते पहले डकी भाई को वैसे ही कॉल की थी और उसमें जो है ना कि ये नहीं बताया था कि मैं प्रोज लैब हूँ. उसमें मैंने वैसे ही कॉल की थी और उसमें जो है ना मैंने बस हाय हेलो बोला था ना और आई एम अ बिग फैन, तो उस तरह करके उन्होंने कॉल से लाइक कहा था थैंक यू और बस कॉल खुद ही काट दी थी, मुझे बोलने भी नहीं दिया था. तो मैंने इस बारी प्लान सोचा था कि मैंने जो है ना कुछ डिफरेंट कुछ प्रोफेशनल या कुछ ऐसा करना है, वरना जो है ना प्रैंक कॉल बहुत ही छोटी बन जाएगी और कंटेंट कुछ भी नहीं मिलेगा. तो सबसे जो इस वक्त क्या आइडिया ऐसा हो सकता है कि हम ऐसी कॉल करें तो डकी भाई लाइक फुल लंबा या उस तरह की चीज़ करें, मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ और फाइनली मुझे एक आइडिया आ चुका है. आइडिया यूँ है, आप लोगों को अगर पता हो कि अभी पीसा अवार्ड्स हुए थे, डकी भाई की वीडियो अभी नंबर 1 ट्रेंडिंग में, लाइक ट्रेंड वाली जब भी कोई डकी भाई वाली चीज़ आती है तो मैं प्रैंक कॉल बना के व्यूज़ ले लेता हूँ ही. तो हम बताओ क्या करेंगे, हम शुगल में जो है कहेंगे एक और अवार्ड्स होने वाले हैं, लेकिन अगर मैं कहूँगा ना कि जल्द होने वाले हैं तो उस तरह जो है ना बहुत फेक लगेगा. मैं कहूँगा कि 2020 के जो है ना December 21st को जो है ना अवार्ड्स हो रहे हैं और मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ हो रहे हैं क्यों, क्योंकि मैं बहुत ही जो है ना वेट सीन आगे करूँगा. लेकिन यार मुझे एक चीज़ की ये टेंशन हो रही है, अगर डकी भाई कॉल ना उठाए और अगर कॉल उठाए भी तो वो गुस्से में आके कॉल काट दे, फिर मेरा ये कंटेंट जो है वीडियो एक क्लिकबेट हो जाएगा और फिर जो है ना आप लोगों ने सब ने गालियाँ देनी है. तो यार अगर एक क्लिकबेट वीडियो है ना तो प्लीज़ फिर भी लाइक कर देना, वरना क्लिकबेट नहीं होगी. तो मैं जो है ना पहले अपने डकी भाई को अपने फ़ोन से कॉल करने लगा था, लेकिन यूँ सीन है कि डकी भाई के पास ये वाला मेरा नंबर है कि इवन दोनों ने सेव नहीं किया होगा ना तो सैमसंग या उन फोन्स में जो है ना पता लग जाता है कि इस नंबर से आपको पहले कॉल आई हुई है, या उन्हें पता होगा कि ये वाले डिजिट्स जो है ना ये प्रोज लैब का कोई एक बच्चा है वो तंग करता रहता है. तो इसलिए जो है ना मैं अगला फ़ोन लेकर आया हूँ और इसके अंदर से जो है ना हम कॉल करेंगे, क्योंकि इस नंबर से मैंने कभी भी पहले डकी भाई को कॉल नहीं की. तो अभी जो है ना मैं नंबर जो है ना लेता हूँ अपने इस फ़ोन से डकी भाई का और करते हैं प्रैंक कॉल. बहुत ही इंटेंस होने जा रहा है सीन. अच्छा तो इधर जो है ना डकी भाई का नंबर आ गया है, बहुत ज़्यादा जो है ना मैं डर चुका हूँ, बिकॉज अगर आप लोगों को नहीं पता ना ये फीलिंग जो है ना बहुत ही स्केरी होती है. होपफुली एट द एंड वर्थ इट होगी. तो डकी भाई का मैंने नंबर लिख लिया एंड आई एम स्केर्ड, होपफुली कुछ बुरा नहीं होगा. तो चलो देखते हैं, और मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की है और तो ये मुझे कुछ होना नहीं चाहिए यार. लेट्स सी, 3000 लाइक्स इन 48 आवर्स करा देना. चलो अब कॉल मारते हैं. कॉल अब उठा भी लें. हेलो अस्सलाम वालेकुम, इज दिस डकी भाई सादुर रहमान? आई एम टॉकिंग फ्रॉम मैनेजमेंट. हमारा जो है ना ये एक अवार्ड शो होना है December 21st, 2020 को. तो आई वॉज आस्किंग कि हमें जो है ना मार्केटिंग टीम से मैं हूँ ना, तो हमको जो है ना कहा था कि डिफरेंट यूट्यूबर्स रिसेंटली पीसा अवार्ड्स आया था, और वैसे जो सेलिब्रिटीज़ ड्रामा या एक्टर्स होते हैं उनका अलग स्टाइल अवार्ड्स होता है, तो इस तरह कंपटीशन काफ़ी था. तो वी थॉट के आपको भी जो है ना इनवाइट किया जाए. ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है. सो अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. आप मुझे जो भी है ना व्हाट्सएप में आप रिप्लाई कर सकते हैं.
बाकी आपसे आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप पीसा अवार्ड जीते हैं. लाइक उस जब आप जीते थे ना, कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था. और उसके अलावा ये डक्की भाई, लाइक आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स यार. बाय द वे राइट नाउ आपको शायद पता लग ही गया होगा कि इट्स अ प्रैंक कॉल. नहीं मुझे नहीं पता सॉरी ब्रो, लाइक अभी जो है ना मैं चोक मास्टर बना हूँ. लाइक आई एम स्वेटिंग सो मच. यार। द पॉइंट इज मैं सारा दिन उठ के एडिटिंग की है, फिल्मिंग की है, और अभी थोड़ी बहुत जो थोड़ा बहुत मैं नैप लेने के लिए सोया था। अगर कोई कुछ है तो मुझे कॉल कर लिया करो, ओ जैसे सॉरी हम ब्रो. ऐसे लोग बात करा हमेशा यार, जब भी कोई हर बार फ्री नहीं होता। अब देखो मैं कॉल बंद कर लिया तो आपने मुझे पता दोबारा से कॉल बैक कर ली, नहीं यार, लेकिन किसी मैंने कॉल उठाई नहीं। सॉरी ब्रो, मेरी सॉरी आवाज़ बंदा थका हुआ है या क्या सीन है? सॉरी ब्रो. मेरा आप वैसे जाना आपको कॉल करने का पहले था, लेकिन आई थॉट कि आप शायद रात को जाना इस वक्त फ्री हो दोपहर में, क्योंकि सो सकता है. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार. अच्छा चलो आप अल्लाह सॉरी हाफिज़। ब्रो. इट्स ओके ब्रो, अल्लाह हाफिज़. थैंक्स. लिटरली यार आपको सही बात बताओ ना, बहुत इतना ज़्यादा जो है ना मुझे पसीना कभी भी नहीं आया, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि डिक्की भाई ने जो है ना हमारी 3 मिनट्स की जो है ना कॉल हुई है डिक्की भाई के साथ. एंड आई एम सो हैप्पी कि कुछ कॉन्टेंट मिला है. लाइक आई एम स्वेटिंग राइट नाउ, बट डिक्की भाई सो रहे थे. एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी डिक्की भाई इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो. आइंदा मैं कॉल नहीं करूँगा. डिक्की भाई ने कहा था कि मैं कॉल काट देता तो आप दोबारा कॉल करते, वैसे अगर डिक्की भाई कॉल काटते ना तो मैं दोबारा कॉल ना करता. लेकिन यार जितना ज़्यादा मैंने चोक किया है ना, जितना ज़्यादा पसीना मुझे आया, और जितना ज़्यादा कि लिटरली मैंने इतना सोचा था कि इतनी बातें मैंने करनी है, लेकिन जब आप एक्चुअली कॉल कर रहे होते हैं ना, आप देख रहे होते हैं कि वन ऑफ योर फेवरेट यूट्यूबर डिकी भाई आपसे बात कर रहे हैं, लाइक बहुत ही जो है ना आपको पसीना, एंड यू स्वेट अलॉट, और लाइक बहुत नर्वसनेस होती है. और अभी भी मेरे साथ यही सीन हुआ है. आई थॉट कि मैं जो है ना थोड़ा काम हूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब प्रैंक कॉल की थी तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन इस बार आई थॉट कि अब सेकेंड टाइम कर रहा हूँ तो अब नहीं हूँगा, लेकिन उल्टा सीन हुआ है एंड आई एम स्वेटिंग अलॉट. तो अदर देन दैट अभी जो है ना मैं टक्की भाई को मैसेज करूंगा उनके व्हाट्सएप में, और उनसे जो है ना सॉरी कहूंगा, क्योंकि यू नो कि किसी को डिस्टर्ब जो है ना नहीं करना चाहिए. एंड आई एम अ नाइस यूट्यूबर. तो इसी खुशी में जो है ना नीचे जाके 3,000 लाइक्स जो है ना करने हैं, क्योंकि 3,000 लाइक्स अगर ना होए ना एंड आई एम गोना बी पिस्ड ऑफ. और उसके अलावा जो है ना अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ ना, टक्की भाई इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन, क्योंकि मैंने इनसे बातचीत की है. लाइक इनसे बात करें ना, मैं उन यूट्यूबर्स को जानता हूँ जिनके 20-30K सब्सक्राइबर्स जो है ना हैं, और उनको आप मैसेज करो ना या कॉल करो, लाइक दे से बाय 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 अल्लाह हाफिज़. वैसे इंक्लूडिंग भी मैं भी कभी कभी ऐसे करता हूँ, लेकिन स्टिल जो है ना देखिए भाई से आप बात करें या उनसे करें, आपको ऐसा लगता है कि कोई 1 पॉइंट कुछ मिलियन वाला मैं क्या बनता हूँ भाई, सब्सक्राइबर्स भी नहीं पता. लेकिन अदर देन दैट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि कोई कॉन्टेंट बनाया और डिक्की भाई ने हमसे बात की है. उसके अलावा जो है मुझे लगा था कि डिक्की भाई को पता होगा कि आई एम प्रैंक कॉलिंग में, क्योंकि उनको शायद प्रैंक कॉल्स आती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा जो है ना लाइक आई एम सो वेला, और आई थिंक सिर्फ मेरे पास ही डिक्की भाई या इस तरह के यूट्यूबर्स के नंबर आ जाते हैं जो मैं प्रैंक कॉल करता रहता हूँ. तो ही वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि ये प्रैंक कॉल है, लेकिन इट वॉज अ प्रैंक कॉल. एंड मैंने उन्हें लाइक आई एम स्वेटिंग स्टिल, और मुझे नहीं पता एंड आई एम शिवरिंग, लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से. बस जो मर्जी है ना, वीडियो को लाइक कर देना और 3,000 लाइक्स जो है ना पूरे करा देना. कस डिक्की भाई को कॉल करने के लिए जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा गट्स चाहिए. लाइक अगर आपको लग रहा है ना कि यूं सीन नहीं है, आप खुद ही जो है ना लाइक मैं नंबर तो नहीं दूंगा, लेकिन आप खुद ही अगर करो ना तो बहुत पसीना आता है, बहुत नर्वसनेस होती है, बहुत एंग्जाइटी होती है. तो अदर देन दैट मैं एक और चीज़ ये कहना चाहूँगा कि यार मेरे एक और दोस्त है, उनका जो है ना चैनल रिसेंटली 5K सब्सक्राइबर्स में जो है ना टर्मिनेट हो चुका है, और वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं. उनके चैनल का नाम मिस्टर शेख टीवी है, तो उन्हें प्लीज़ यार ज़रूर चेकआउट करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करना. उनके अगर जब भी 1,000 सब्सक्राइबर्स होंगे ना, मैं और वो मिलकर एक बड़ी गिव अवे करेंगे, बड़े प्रोडक्ट्स की गिव अवे करेंगे, तो ज़रूर जाके उनके चैनल को
सब्सक्राइब करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनके 5K सब्सक्राइबर्स में जाना, टर्मिनेट हो गया था चैनल तो जरूर जाना और नीचे और जाना उनके चैनल को सब्सक्राइब करके 1K सब्सक्राइबर्स उनके पूरे कराना। अदर देन दैट 3000 लाइक्स मेरे भी पूरे करा देना। तो यार बहुत ज़्यादा जो है ना प्रैंक कॉल 3 मिनट की गई है, शुक्र है कोई तो कंटेंट मिला एंड आई एम लाइक रियली स्केर्ड। लेकिन डकी भाई ने कहा है कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और अभी जो है ना मैं उन्हें व्हाट्सएप में मैसेज करता हूँ, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। तो डकी भाई को जो है ना मैं मैसेज करता हूँ कि सॉरी इस तरह का जो है ना कुछ करते हैं और देखते हैं क्या रिप्लाई ने भेज दी है। अब जो है ना लाइक वेट करते हैं कि 5 मिनट में रिप्लाई ना आया ना तो फिर वीडियो एंड करेंगे वरना। अच्छा यार तो डकी भाई का रिप्लाई आ गया एंड ही से कह नो वरीज मैन और हार्ट वाला साइन भेज दिया। लाइक आई एम एक्सट्रीमली डकी भाई इज अ नाइस पर्सन और लाइक अब तो नर्वसनेस मेरी बिल्कुल भी चली गया। तो डकी भाई फॉर वॉचिंग दिस वीडियो तो थैंक यू। तो यार आज की वीडियो लेता है मैं मिलूंगा आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जरूर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। 3000 लाइक्स कराना। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय एंड पीस आउट।